अगर बेटा बाप के कंधे तक आने लगे तो बेटे को समझ लेना चाहिए कि जिस कंधे पर बैठकर मेला देखा, अब उस कंधे का कर्ज चुकाने का समय आ चुका है। मां अपनी औलाद को उसकी गलती पर इसलिए मारती है क्योंकि वो किसी और को मारता नहीं देख सकती, और जो मां नहीं मारती है फिर उसकी औलाद को दुनिया मारती है। जो मां बाप को स्वर्ग ले जाए वो होता है बेटा, जो स्वर्ग को घर ले आए वो होती है बेटी, और जो घर को ही स्वर्ग बना दे वो होती है बहू। जहां चार लोगों में बैठकर आप मजे ले लेकर किसी और की बुराई करते हैं, यकीन मानिए आपके वहां से जाते ही आपकी भी बुराई शुरू हो जाती है। सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता मंदिर जाना है या कब्र पर, इसीलिए जिंदगी जैसी भी है इसे हंस खेल कर जियो। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। एक साथ चार कंधे देखकर मुर्दे के मन में विचार आया कि एक ही काफी था अगर जीते जी सहारा मिला होता। हम बात करेंगे उस क्वेश्चन की जो मैंने वीडियो के थंबनेल पर लगाया था कि वो क्या है जो नीचे से सुनता है और ऊपर से बोलता है। इसका उत्तर है मोबाइल। और बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जो आपने अपना कीमती टाइम दिया, हमारे चैनल की वीडियो देखी। इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर ले, मैं आपसे भी हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। मैं रोजाना यहाँ पर नई नई वीडियो लाते रहता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, मैं जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो में।